आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रीना एंड ब्लॉग में। तो आज के मेरे ब्लॉग की सुबह जो रही है सुबह 8:30 बजे से, और अभी मम्मी यहाँ पे बना रही है सुबह का नाश्ते के लिए सब्जी, हरे कद्दू की सब्जी। और ये रितु अपनी मुआ की साड़ी रखे रहा है, अभी मेरे गोद में आया। नानी जी तो बाहर कमरे में ही है, पापा डॉलर को लेके जा रखे हैं, पापा बाहर हैं डॉलर के साथ। तो अब मम्मी बनाएगी नाश्ता और मैं बनाऊंगी रोटियाँ। मम्मी को सब्जी बना रही है अभी, वो नाश्ता करने के बाद बात से काम करिए। और ये लूडो अपनी मौसी के साथ खेलेगा तब तक, है ना। बाय गाइस, करो बाय करो। तो अभी हम लोग का हो गया नाश्ता और थोड़ी देर में हम छत में धूप सेकने आए। मैं यहाँ पे पी रही हूँ दूध, और ये मूसी और वो अपनी नानी को परेशान करने पर लग रखा है। नानी वहाँ झाड़ू लगाया, वो भी झाड़ू मार रहा हूँ। यहाँ पे नानी जी बैठे हुए हैं, थोड़ी देर धूप सेकेंगे उसके बाद नीचे जाएंगे और मम्मी मैं काम करेंगे साथ में। इसको देखो ये कहाँ बैठ रहा है, वहाँ पूरी छत छोड़ के उसको वहीं पे मिला बैठने के लिए। रिद्धु क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रिद्धु पापा दीदी बोल मौसी तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल नानी को लेके, क्योंकि नानी को इंजेक्शन लगवाना था और मम्मी और बैठ गए गाड़ी में। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल नानी को इंजेक्शन लगवाना था, तो हम सब घूमने चले गए साथ में। तो यहाँ पे पापा चला रहे हैं गाड़ी, और ये बीच मूसी भी है, नानी भी जा रहे हैं। हाँ रिद्धु तो जा ही रहा है, फिर चलो पहले नानी को इंजेक्शन लगवाएंगे, फिर थोड़ा रायपुर तक जाएंगे कुछ काम से, चलो चलते हैं। तो आ गए हम नानी को इंजेक्शन लगवाने के लिए, तो अब लग गए। लिया हमने नानी के अभी इंजेक्शन, अब चलते हैं रायपुर के साइड। अच्छा, तो हम अभी आए हैं नानी जी का चश्मा बनवाने के लिए, नज़र का, यहाँ भारत ऑप्टिकल्स में। तो चलो अभी पापा थोड़ा गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं उधर आगे, फिर चलेंगे अंदर और नानी का चश्मा बनवाएंगे नज़र का। तुम्हारी नज़र बड़ी मेरी कौन से? आ गए हैं हम भारत ऑप्टिकल्स में नानी के चश्मे बनाने के लिए। हाँ मामा, आ गए हम भारत ऑप्टिकल से नानी का चश्मा बनवाने को देके, अब चलेंगे सीधा घर की तरफ। पहले मच्छी लेके आ, मच्छी पहले मेरे पापा मच्छी लेके, आज पापा मच्छी के पकौड़े बना के खिलाएंगे हमको। ना ना
थैंक यू बोल नानी को। आ गए हम अभी रायपुर से, यहाँ पे इनके लिए चिप्स लेके आ रखे थे, चिप्स खा रहे हैं ये लोग। रिद्दू और मूसी फाड़ रहा है अभी। हम भी अपने लिए जलेबी लाए थे, जलेबी खाएंगे उसके बाद धूप में बैठेंगे। यहाँ पे सब खा रहे हैं जलेबी। पापा ने तो पूरा थाली पकड़ रखा। इसके ये रिद्दु भी खा रहा है यहाँ पे, और साथ में डॉलर को भी खिला रहा आपने। खाना तो हम देंगे, बड़ा अपने घर में पूरी नहीं होगा। अब होने लगा हमारा दिन का खाना, और दिन के खाने में है हरड़ चने की दाल और कड़ी। कड़ी मम्मी ने हमारे बना रखी है, क्योंकि पापा खट्टा खाते नहीं है, तो कड़ी भी बना रखी है, और चावल और रोटी। तो अब मम्मी लगाएगी हम सबके लिए खाना। पापा जी सलाद में आप मूली खाओगे, मैं काट दूं? तो अब मैं सलाद काट देती हूँ, मूली और प्याज, फिर हम सब साथ में खाना खाएंगे। नानी नहीं खाती, बल नानी खाती। अब हम लोग सब खाने खाने लगे हैं। यहाँ पे पापा, पापा तो रोटी खाते हैं, और रिद्दू भी अपनी अलग थाली में खा रहा है। मूसी और नानी जी, मम्मी तो अभी सबके लिए खाना लगा रही है, ये तो सबके लिए लगा रही है अभी, तो उसके बाद खाएगी मम्मी। मेरे लिए भी लगा दे यहाँ पे, मैंने कड़ी दाल सब एक साथ ली। ये देखो इसको, इसको देखो इसको, क्यों घुमा रहा हो थाली, खा ले चुपचाप। वो थाली, चलो पहले खाना खा लेते हैं। अभी हो रहे हैं शाम के 6, और अभी हम लोग सो के उठे हुए हैं। चाय पी, मम्मी ने चाय बनाई हुई थी, और यहाँ पे मूसी कर रही है पढ़ाई, उसके साथ ये भी कह रहा मुझे भी कॉपी दो लिखने के लिए की। तो थोड़ा मैं अभी मूसी को पढ़ाऊंगी, और रिद्दु भी देखते हैं कितना पढ़ता है, उसके खैर पढ़ेगा तो क्या ही वो, रिद्दु खड़ा होता। उसके बाद थोड़ी देर में मम्मी दूध लेने जाएगी, दूध लेके आएगी। लिख यहाँ पर लिख, देख तूने दीदी से कॉपी ले ली, अब लिख वन, लिख लिख। अच्छा ए बना दो, ए कैसे बनाते हैं, ए बना दो। तेरा ऑटोग्राफ नहीं मांगा किसी ने, ए बनाने को बोला। ए बना, ए फॉर एप्पल, लिख लिखो, लिख ले बेटा, रिद्दू लिख। अच्छा दीदी, चलो दीदी आपको पढ़ाएगी, बताएगी दीदी क्या है ये, ठीक है। अच्छा बता, इसको बता, यहाँ पे बता, ये क्या है मूसी, ए बोल, दीदी क्या बोल रही, ए दीदी, ए फॉर, ए फॉर क्या होता है, ये देखो ये ए है। तू भी लिख, है ले, 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 पहले पेंसिल पैक करना सिखा दे, पेंसिल ऐसे पकड़ दे। यहाँ पे मूसी पढ़ाई कर रही थी, और रिद्दू मेरे को बोल रहा था कि मेरे को भी दे, इससे कॉपी छीन रहा था, तो मैं उसको उसके लिए भी अभी एक कॉपी और पेंसिल लेके आ गई। ऐसा पकड़ पेंसिल, सुल्टा पल बेटा, यहाँ पर लिख, उसकी नानी पढ़ा रही उसको, यहाँ पर लिख, थोड़ा नीचे नीचे से करना उसको पेंसिल, तो वो पहली बार पकड़ रहा। कैसे लिखेगा मेरा रिद्दू, पहले लिखेगा ओ, ओ बोल, लिख लिख तो, और लिखिए ऐसा, लिख लिख लिख, तू पकड़ पेंसिल पकड़। बस बहुत पढ़ लिया मैंने, ले ले, ये दीदी भी पढ़ ली, ले तो बाइक देख रहा हूँ, ले पेंसिल पकड़, देख देख मैं उस पे जाओ, टाइम भी जाओ तो। अभी हम लोग का बन रहा है शाम को पकोड़े मच्छी के, जो पापा जी दिन में लेके आए थे, और यहाँ पे पापा बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे पापा जी ने मच्छी का जो मसाला है पूरा बना के रख दिया। क्या क्या डाला आपने इसमें अभी,
हमें पहले तो ये धुलाई किया हल्दी और नमक डाल के इसकी धुलाई की गर्म पानी के साथ। फिर उस पूरे पानी को खाली किया पूरा ड्राई करने के बाद जो इसमें डाला बेसन थोड़ा सा एक थोड़ा सा कितना दो चम्मच दो बड़ी चम्मच बेसन डाल के फिर इसमें धनिया मिर्ची हल्दी ये डाल के और जो तिरमी का एक मसाला बनाया रहता अलग से अपना उसको भी मिला के फिर इसको पूरा मिलाया। तो यहाँ पे किसी दिन मैं इसका पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जब पापा जी दूसरे दिन बनाएंगे कैसे 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 पूरा प्रॉपर वीडियो कि क्या क्या मिलाया कैसे मिलाया। तो अभी यहाँ पे पापा जी ने कुछ तलने के लिए रख दिए हैं इसके बाद हम लोग जब तल देंगे तो सब एक साथ बैठ के खाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान मैंने भी ध्यान दी कि इसमें बेसन जैसे हम नॉर्मल पकौड़े के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादा भर के बैटर बनाते हैं वैसे नहीं है बेसन भी हल्का डाला हुआ है। पहले तब तक पापा जी गीला बेसन जैसे और पकौड़े के लिए गीला बेसन करते हैं इसमें गीला नहीं करना है। हाँ हल्का डालना है हल्का नाम के लिए मतलब ना जिससे मसाला पकड़ ले। अच्छा यहाँ पे पापा जी के पकौड़े फ्राई हो रहे हैं इसके बाद मसाला इतना होना चाहिए बस ये बेसन इतना होना चाहिए मसाला पक गया। अच्छा तो ये वाली जो डाले हुए थे वो पक गए आप पापा जी से सेल से निकालेंगे। तो ये बनने हमारे मच्छी के पकौड़े अभी थोड़ी देर में ठंडा होगा सब कुछ खाएंगे। और पापा जी ने दूसरी बारी के भी डाल दिए तेल में तो बना रहे हैं पापा जी अभी सारे ऐसे एक एक करके और जैसे जैसे बनते हैं वैसे वैसे खाते रहेंगे। अभी तो ये गर्म है तो बाद में जब थोड़ा ठंडे हो जाएंगे थोड़ा बहुत ज़्यादा काफ़ी बन जाएंगे तब एक साथ खाएंगे। हमारा रिदू अमरूद खा रहा है क्या खा रहा है हाँ अमरूद खा रहा है किसने दिया है किसने दिया किसने दिया अमरूद किसने दिया अमरूद एमा ने दिया कहाँ है एमा एमा कहाँ है अच्छा वहाँ है तेरी एमा। मैंने कहा अमरूद किसने दिया एमा ने मैंने कहा है तेरी एमा वहाँ है वह तो यहाँ पे पापा जी ला गए हमारे लिए मच्छी के पकोड़े और सब खा रहे हैं मम्मी भी खा रही है और मम्मी थोड़ा थोड़ा इसे भी खिला रही है। वैसे तो ये एक कांटा वाली मच्छी है तो इसमें कांटा वैसा होगा नहीं फिर भी मम्मी छान छान के इसको खिला रही है। यहाँ पे मूसी भी खा रही है पकोड़े और नानी जी भी खा रहे हैं अब मैं भी खाऊंगी कैसे हो रहा है। वैसे पापा जी बहुत अच्छे बनाते हैं अच्छे हो रहे हो तो हम भी बाकी सारे खाते हैं। तो पापा जी वहाँ पे वैसे ही बना रहे हैं वैसे ही खुद को भी खा रहे हैं हमें भी दे रहे हैं और ये पीछे से हमारा डॉलर इंतजार में कि मुझे भी कुछ मिलेगा। तो हम सब गिच्ची देख कैसा कर रहा हो हम सभी पकौड़े खा लेते हैं गरम गरम सॉस के साथ वो भी अभी हम लोगों ने खा लिया मच्छी के पकोड़े और पापा जी भी पीछे खा के बैठे हुए हैं फोन पे लगे हुए हैं नानी जी बाहर बैठी हुई है रिद्धू और मूसी तो यहाँ पे खेल रहे हैं बैट से अंदर भी
जो है वो पता नहीं क्या कर रहा है वहाँ पे। मम्मी भी लगी यहाँ पे ये जो मच्छी के पकौड़े बनाने के लिए बर्तन यूज किए हुए थे, बहुत सारे बर्तन तो वो धुलेगी। तो बनाऊंगी रोटी रात के लिए। डालो अभी भी यहाँ ढूंढ रहा है मच्छी, इसको कुछ मिल जाएगा पूरा खाने के बाद भी अभी ढूंढ रहा है। तो अब आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। और वो वहाँ चेयर के अंदर वाले मम्मी वाले वो वहाँ चले गए।